जी अस्सलाम वालेकुम जी, वजीए सर्विस एयर एंड यू वाचिंग एंड विला एसोसिएट्स। जैसे कि आप जानते हैं, इंग्लिश जूरिसप्रूडेंस की लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की है और उसके अंदर हमारे जो है अब तक 12 लेक्चर्स जो हैं वो हो चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 12 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी हैव 13th लेक्चर जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो हम डिस्कस करेंगे। बताता चलूँ कि जितना टाइम होता है उसमें जो हो सकता है मैं कर रहा हूँ। डेली बेसिस पे क्रैश के 4 लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूँ, जो फॉर्मर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2 लेक्चर्स अलग से रिकॉर्ड करता हूँ, पार्ट 1 एंड 2। टोटल कुल मिला के 6 लेक्चर्स ईच डे करने होते हैं, ठीक है। और उन 6 लेक्चर्स के नोट्स भी बनाना होते हैं, असेंबल भी करना होता है, फिर उसको पावर पॉइंट पर ट्रांसफ़र करो, फिर वहाँ से लेक्चर्स रिकॉर्ड करो, फिर लेक्चर वाली वीडियो को और ये नोट्स वाली वीडियो को क्लैब करो, अटैच करो, फिर इसको सेव करो, फिर यूट्यूब पे, ये मतलब सारा दिन इन चीज़ों में गुजर जाता है। तो जब मैं आप लोगों से कहता हूँ ना कि प्लीज़ इनबॉक्स कम से कम किया करें, उसकी वजह ये होती है कि अगर आप इनबॉक्स देखता रहता हूँ ना तो फिर ये काम नहीं हो पाते हैं, ठीक है। दैट्स वाई सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि जो पूछने वाली चीज़ हो सिर्फ वो पूछा करें। जैसे कि अब तक ये 4th सब्जेक्ट है इंग्लिश स्टूडेंट्स, ये ऑलमोस्ट आज खत्म हो जाएगा, इसके 1-2 लेक्चर्स और आएंगे, वो बाद में आएंगे, वरना ये 13 क्वेश्चंस भी विल बी इनफ, ठीक है। इसके बाद ADR रहेंगे सिर्फ, वो भी इंशाल्लाह सून स्टार्ट करवा दूंगा, होप सो मंडे से इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी ग्रुप के अंदर आपको मिल जाती हैं, इनबॉक्स करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी मैं रोकता नहीं हूँ इनबॉक्स से, आप कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी चीज़ें पूछनी हो तो किया करें। ऑलरेडी जो चीज़ें मैं ग्रुप में शेयर कर चुका होता हूँ उनके लिए फिर से ग्रुप्स में चीज़ें आ रही है, इनबॉक्स में चीज़ें पूछ रहे होते हैं आप, फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि वो भी मैनेज करो, वो भी मैनेज करो, मुश्किल हो जाता है। तो खैर, आज हमारे पास 13th लेक्चर है, क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे। अब्दुल्ला इसका फेस ना फैन का अपनी तरफ कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका इंग्लिश स्टूडेंट्स है इसमें प्रॉपर्टी का कंसेप्ट क्या है और प्रॉपर्टी को एक्विजिट करने के, इसको हासिल करने के कौन कौन से डिफरेंट मोड्स हैं, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, बट बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द मेन क्वेश्चन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विद द नेम ऑफ अलविला एसोसिएट्स एज मेंशन ऑन द स्क्रीन। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जी, ब्रीफली एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है उसको आपने एक्सप्लेन करना है कि प्रॉपर्टी एक्चुअली क्या है, ठीक है, और जो डिफरेंट मोड्स हैं प्रॉपर्टी को एक्विजिट करने के वो कौन कौन से हैं, इस पर हमने डिटेल में जो है वो बात करनी है आज के क्वेश्चन में। बढ़ते हैं टुवर्ड्स इंट्रोडक्शन। कहते हैं प्रॉपर्टी रेफर्स टू एनी थिंग डैट कैन बी ऑन्ड इंक्लूडिंग लैंड, बिल्डिंग्स और पर्सनल आइटम्स। हर वो चीज़ जिसको आप ऑन कर सकते हैं वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो आपकी ज़मीनें भी हो सकती हैं, वो आपकी बिल्डिंग्स यानी घर बार भी हो सकता है, वो आपकी पर्सनल आइटम्स भी हो सकती हैं। पर्सनल आइटम्स में आपकी कीज आ सकती हैं, ठीक है कीज आ सकती हैं। उसके अलावा ये माइक लगाया हुआ मैंने पर्सनल आइटम में है, उसके अलावा पर्सनल आइटम में कंसीडर कर सकते हैं डिफरेंट तरह की जो आपकी पर्सनल थिंग्स हैं जिसको आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी प्रॉपर्टी में आती है, ठीक है। अच्छा जी, कहता है इट कैन बी एक्वायर्ड इन वेरियस वेज, यानी आप डिफरेंट वेज से जो है प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं, सच एज बाइंग, जब ख़रीदते हैं तो जो है वो आप ऑन कर सकते हैं उसको, इनहेरिटिंग, अब्बा जी लेट्स सपोज ए बी सी, उसके अब्बा जी फोत हो गए तो अब अब्बा जी की जितनी भी ज़मीन है वो ए बी और सी को इनहेरिट हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी, क्योंकि ये उसके लीगल हेयर्स हैं। देन रिसीविंग एज अ गिफ्ट, कोई आपको गिफ्ट कर देता है तो भी आप प्रॉपर्टी ऑन कर सकते हैं, और क्रिएटिंग समथिंग न्यू, या कोई आप सिरे से नई चीज़ बनाते हैं तो आप उसको भी ऑन कर सकते हैं, वो भी आपकी प्रॉपर्टी। तो कहते हैं प्रॉपर्टी हर वो चीज़ है जिसको आप ऑन कर सकते हैं, लैंड भी हो सकती है, ये बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं, ये आपकी पर्सनल आइटम्स भी हो सकती हैं, एक बात हो। फिर जो आपकी प्रॉपर्टी है इसको डिफरेंट मोड्स के थ्रू जो है वो ऑन किया जा सकता है, जिसमें आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, आपको प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकता है, आपको प्रॉपर्टी जो है इनहेरेंट हो सकती है, मतलब वालदैन से ट्रांसफ़र हो सकती है, और आप कुछ चीज़ नई क्रिएट करते हैं तो वो भी आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसको भी ऑन कर सकते हैं, सिंपल सी थिंग है। कहते हैं जी अंडरस्टैंडिंग दीज मोड्स हेल्प्स इन मैनेजिंग एंड प्रोटेक्टिंग वंस पोजेशन। जब आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो उससे फिर क्या होता है कि आपकी जो पोजेशन है किसी भी प्रॉपर्टी को लेके उसको सिक्योर करना आसान हो जाता है। इन मॉडर्न टाइम्स, आज के मॉडर्न ईरा की अगर बात करते हैं, द टर्म प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ऑल द राइट्स विच अ पर्सन हैज, हिज लाइफ, लिबर्टी, रेपुटेशन एट्सेट्रा। तो मतलब जितने भी आपके राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो भी आपकी कहता प्रॉपर्टी में आते हैं मॉडर्न ईरा में। जैसे आपका राइट टू लाइफ है,
राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू लिबर्टी है, ये सारे के सारे कहता है आपके आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपको मिलनी चाहिए, आप इसको ऑन कर सकते हैं। अच्छा जी, मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में डेफिनेशन है किसकी प्रॉपर्टी की, उसमें क्या है, कहता है एनीथिंग दैट कैन बी ऑन्ड, कोई भी चीज़ इसको आप ऑन कर सकते हैं, जिसकी आप मलकियत ले सकते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी बोलते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी अगर डिफाइन करना चाहें इसको, तो अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी का अकॉर्डिंग जो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, कहता है राइट टू पोजेस, कोई भी चीज़ उसको आप पोजेस करते हैं, काबिज होते हैं उस पर, यूज़ उसको इस्तेमाल करते हैं, एंड इन्जॉय अ डिटर्मिनेट थिंग, या उस खास चीज़ को इन्जॉय करते हैं, उससे जो है वो फ़ायदा हासिल करते हैं, तो दैट इज़ नाउन एज प्रॉपर्टी। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस मैं हमेशा बताता हूँ कि जब आप कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो जब आप ये देखेंगे कि वो कंसेप्ट जो है आपके पाकिस्तानी लॉ में कहाँ पे अवेलेबल है, तो उसको आप क्रॉस रेफरेंस के तौर पे देखते हैं। तो क्रॉस रेफरेंस अगर प्रॉपर्टी के लिहाज से देखते हैं, तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है, इसका स्पेसिफिकली जो आर्टिकल 23 है और आर्टिकल 24 है, ये दोनों जो है आपकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के हवाले से, प्रॉपर्टी को परचेज करने के हवाले से आपको राइट देते हैं कि यू कैन ऑन और डिस्पोजेस योर प्रॉपर्टी व्हेन एवर यू वांट टू। ठीक है, तो क्रॉस रेफरेंस में आर्टिकल 23 और 24 ऑफ आईने पाकिस्तान 1973, उसका आप जिक्र कर सकते हैं। देन है डेरिवेशन ऑफ वर्ड प्रॉपर्टी, यहाँ पे पर्सन नहीं है, डेरिवेशन ऑफ वर्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है, यानी प्रॉपर्टी जो है ये वर्ड कहाँ से डराइव किया गया, यहाँ पे पर्सन गलती से लिखा है। कहते द टर्म प्रॉपर्टी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्रोपराइटस, ठीक है, ये लैटिन वर्ड है प्रोपराइटस, उससे ये प्रॉपर्टी निकला है, और इसका मतलब क्या होता है, कहता विच मीन्स ओनरशिप, जिसका मतलब है ओनरशिप यानी मिल्कियत। कहता है इट ओरिजिनली रेफर टू अ पर्सन्स बिलोंगिंग्स और एसेट्स, यानी ये किसी भी शख्स की जो बिलोंगिंग्स होती हैं, यानी उससे वाबस्ता चीज़ें होती हैं, या जो उसके एसेट्स होते हैं, सासे होते हैं, उससे कहता है ये पर्टिकुलरली उसको रेफर करता है। एम्फसाइजिंग द कंसेप्ट ऑफ पोजेसिंग समथिंग, जिसमें आप किसी ना किसी चीज़ को पोजेस कर रहे होते हैं, होल्ड कर रहे होते हैं अंडर योर कस्टडी। ये हो गया डेरिवेशन ऑफ द वर्ड ऑफ प्रॉपर्टी। देन है कंसेप्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, कि इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस में प्रॉपर्टी का कंसेप्ट जो है ये क्या है। कहता है इन इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस द कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी रेफर्स टू द राइट्स एंड इंटरेस्ट्स दैट अ पर्सन हैज इन फिजिकल एंड इंटेंजिबल थिंग्स, यानी वो चीज़ें जो कि फिजिकल हैं, जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनके ऊपर जो आपके राइट्स हैं, जो इंटरेस्ट हैं, वो भी प्रॉपर्टी है, और वो चीज़ें जिनको आप छू नहीं सकते हैं, जिनको आप देख नहीं सकते हैं, वो इनटेंजिबल हैं, तो वो चीज़ें भी आपकी जो हैं, उन पे भी जो आपका राइट है, जो आपका इंटरेस्ट है, वो आपकी प्रॉपर्टी है। कहते इट इज़ एसेंशियली अबाउट द लीगल ओनरशिप बिटवीन पीपल कंसर्निंग वैल्यूएबल आइटम्स। ठीक है, तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी। देन है टाइप्स और द काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी, के प्रॉपर्टी की टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं, काइंड्स कौन कौन सी हो सकती हैं, बड़ी सिंपल सी काइंड्स हैं। कहते हैं फॉलोइंग आर सम मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ द प्रॉपर्टी, ये जो हैं प्रॉपर्टी की कुछ खास तरह की जो है वो इकसाम हैं। जैसे कि सबसे पहले है कॉरपोरियल प्रॉपर्टी, कॉरपोरियल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, कहता है फिजिकल और टेंजिबल प्रॉपर्टी दैट कैन बी सीन और टच्ड, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप बोलते हैं टेंजिबल प्रॉपर्टी और द कॉरपोरियल प्रॉपर्टी। मिसाल में कहता है मिसाल के तौर पे हाउस और अ कार, कोई आपका घर है उसको आप देख भी सकते हैं, उसको आप छू भी सकते हैं, आपकी कार है उसको आप देख भी सकते हैं, उसको आप छू भी सकते हैं, सो दैट इज नाउन एज टेंजिबल और कॉरपोरियल प्रॉपर्टी। ऑन दी अदर हैंड वी हैव इनकॉरपोरियल प्रॉपर्टी, तो इनकॉरपोरियल प्रॉपर्टी क्या होगी, कि जिसको आप छू नहीं सकते हैं, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, दैट इज नाउन एज इनकॉरपोरियल और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कहते हैं इंटेंजिबल प्रॉपर्टी दैट डज नॉट हैव अ फिजिकल फॉर्म बट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू और द राइट्स, यानी इसका फिजिकल तो कोई नहीं होता है, फिजिकली तो आप इसको ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, लेकिन ये आपकी वैल्यूएबल राइट्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं पेटेंट्स या कॉपीराइट, आपका कोई मटेरियल है, आपने लिखा है, लेट्स सपोज कोई म्यूजिक आपने बनाया, तो वो देखा तो नहीं जा सकता है, ना उसको छुआ जा सकता है, हाँ महसूस किया जा सकता है, तो वो उसके आपका म्यूजिक है तो आपका ही राइट है उसके ऊपर, अगर कोई दूसरा उस म्यूजिक को इस्तेमाल करता है या करने की कोशिश करता है तो उसने क्या किया है, कॉपीराइट किया है, तो कॉपीराइट अगर हो जाएगा तो आप उसको सू कर सकते हैं, आप उसको अदालत में बुला सकते हैं और उसको जो है वो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं अपने म्यूजिक की कॉपीराइट के द्वारा। ठीक, तो ये हो गया इनकॉर्पोरेट प्रॉपर्टी। देन है मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी नेक्स्ट पे। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है,
कह रहा प्रॉपर्टी डेट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन लोकेशन टू एन अदर विदाउट आल्टरिंग इट्स नेचर और वैल्यू। कोई भी चीज़ जिसकी असल शक्ल को बदले बिना या उसकी वैल्यू को बदले बिना आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, दैट इज़ नाउन एज मूवेबल प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पर फर्नीचर है, बेड है, वो जहाँ कारपेंटर ने बनाया है वहाँ पे पड़ा भी 2 लाख का है और घर ले गए हैं, फिर भी आपने फैमिली को यही बताया 2 लाख का है, ठीक है, तो वैल्यू चेंज नहीं हुई उसकी और उसकी शक्ल भी चेंज नहीं हुई, ठीक है, तो आपने एक जगह से उसको दूसरी जगह मूव कर लिया। तो फर्नीचर आपका इसमें आ सकता है, ज्वेलरी आ सकती है, सुनियार की दुकान से ला के आप घर रख रहे हैं, आज तो उसकी वैल्यू बदल जाती है कि जैसे मोबाइल हैं, ज्वेलरी हैं, उनके हैं तो सोना है, हमारे पास है तो मट्टी है, ठीक है, ये हिसाब होता है। लेकिन खैर मतलब उसकी शेप को चेंज किए बिना, उसको आल्टर किए बिना आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो दैट इज़ नाउन एज मूवेबल प्रॉपर्टी। ऑन दी अदर हैंड वी हैव इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी है, ऑब्वियसली द प्रॉपर्टी दैट इज फिक्स्ड इन वन प्लेस एंड कैन नॉट बी मूव्ड विदाउट आल्टरिंग और डैमेजिंग इट। एक चीज़ है, एक जगह पर फिक्स है और वो आप उसको मूव नहीं कर सकते हैं, और अगर आप उसको मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए या तो उसको आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, इसकी नेचर को आल्टर करना पड़ेगा, तब्दील करना पड़ेगा। बिल्डिंग बनी हुई है, अगर मटीरियल आप उसका मूव करना चाह रहे हैं तो आपको बिल्डिंग गिरानी पड़ेगी, शेप चेंज हो जाएगी, बिल्डिंग बिल्डिंग रहेगी, मलबा बन जाएगा और उसको आप फिर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मतलब शेप चेंज किए बिना, आल्टर किए बिना जिसको आप मूव नहीं कर सकते, ऐसी प्रॉपर्टी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है। एग्जाम्पल है लैंड, जमीन, बिल्डिंग्स हैं, आपके घर, ऑफिस वगैरह। देन है रियल प्रॉपर्टी। रियल प्रॉपर्टी क्या है, तो लैंड एंड एनी स्ट्रक्चर परमानेंटली अटैच टू इट, मतलब ज़मीन है और ऐसी चीज़ें जो कि परमानेंटली ज़मीन के साथ जुड़ी हुई हैं, फिक्स हैं, अटैच हैं, इंक्लूडिंग बोथ द फिजिकल लैंड एंड राइट्स एसोसिएटेड विद इट। एग्जाम्पल है एन एरिया ऑफ लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, एक ऐसी ज़मीन है जिसको आप काश्तकारी के लिए इस्तेमाल कर रहे करते हैं, इंक्लूडिंग क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक, आपकी जो वहाँ पर फसलें उगने वाली हैं वो सारी की सारी रियल प्रॉपर्टी में आती है। कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं वो सारी आप देख लीजिएगा। देन है पर्सनल प्रॉपर्टी। पर्सनल प्रॉपर्टी में क्या कहता है, एनी प्रॉपर्टी डैट इज़ नॉट क्लासिफाइड एज रियल प्रॉपर्टी टिपिकली इंक्लूड्स मूवेबल आइटम्स, जिसमें मूवेबल आइटम्स आती हैं जिनको आप मूव कर सकते हैं एक दूसरी जगह, जैसे ऊपर पड़ा है, एंड कैन बी ईदर टेंजिबल और इनटेंजिबल। ये टेंजिबल भी हो सकती है, मतलब छुआ भी जा सकता है, देखा भी जा सकता है, और इनटेंजिबल भी हो सकती हैं जिनको आप छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, तो दैट इज़ नॉन एज पर्सनल प्रॉपर्टी। और इसमें आपके क्लोथ्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स आ जाती हैं, एटसेट्रा, डिवाइस, फोन, लैपटॉप्स, एटसेट्रा, ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी हो गई। अब है मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी को आप एक्विजिट कैसे कर सकते हैं, खरीदना कह लें या ले कैसे सकते हैं, किन किन मोड्स के थ्रू, किन किन तरीकों से आप किसी प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकते हैं, ये पढ़ना। सबसे पहले परचेज, मतलब कोई ज़मीन है वो आपने परचेज कर लिया, आपने पैसे दिए, मालिक ने आपको वो ज़मीन दे दी, एक तो तरीका ये हो गया प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का। तो बाइंग प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्स पेइंग मनी टू द ऑनर इन एक्सचेंज ऑफ द प्रॉपर्टी, अ लीगल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टेक प्लेस, मतलब जो ऑनर है उसको आपने पैसे दे दिए, आपको ज़मीन मिल गई, तो ये क्या है कि आपने प्रॉपर्टी ऑन कर ली है थ्रू परचेज। तो एक तो तरीका प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का ये है कि आप उसको परचेज कर लें। मिसाल है कि तो वजी हसन अलवी बाय द हाउस ऑफ 5 मरला अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमाउंट ऑफ 1 करोड़, 5 मरले का घर लिया 1 करोड़ रुपये में वजी हसन साहब ने, ठीक है, तो ये क्या है कि मैंने मालिक को पैसे दे दिए, मालिक ने मुझे वो घर दे दिया, तो ये क्या है, ये आपका एक मोड है प्रॉपर्टी को जो है वो एक्वायर करने का, और वो मोड है परचेज। और किस तरीके से आप प्रॉपर्टी जो है वो एक्वायर कर सकते हैं, सेकेंड है इनहेरिटेंस, ए बी सी, उनका अब्बा था डी, डी मर गया, डी ने पीछे जितनी भी प्रॉपर्टी छोड़ी है वो अब किसकी है, वो ए बी और सी की है, तो एक तरीका ये है प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का। कहता प्रॉपर्टी इज पास डाउन फ्रॉम समवन हु हैज डाइड टू देयर हेयर्स और बेनिफिशरीज, यूजुअली आउटलाइंड इन द विल, जो भी विल में उसे लिखा जाता है, बैरिया वाला प्लाट अहमद को दे देना, डीएचए वाला अफाक को दे देना, और गुलबर्ग वाला फलाने को दे देना, ठीक है, तो विल कर गया वो, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी प्रॉपर्टी उसके लीगल हेयर्स में बांट दी जाएगी। एग्जाम्पल डेविड की मैंने दी है, अहमद वगैरह की नहीं दी है, कहीं यहाँ पर भाई अहमद आ ही ना जाए कि भाई मेरा दादा ही मेरे लिए छोड़ के लिए। देन है गिफ्ट, आपको कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकता है, आप जो हैं अपने बड़े ही वाले साहब के अजीज हैं, तो वो आपको 5 मरले वाला प्लाट सिर्फ आपको गिफ्ट कर देता, बाकी प्रॉपर्टी में भी आपका शेयर है, लेकिन खास 5 मरले वाला जो प्लाट है वो सिर्फ और सिर्फ आपको गिफ्ट कर दिया उसने। कहता प्रॉपर्टी इज वॉलंटरली गिवन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर,
विदाउट एनी पेमेंट इन रिटर्न, जिसके बदले में आपको कोई पेमेंट नहीं करनी, तो एक गिफ्ट है। तो इस तरह से भी आप प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं। देन है एडवर्स पोजेशन, कहते एक्वायरिंग प्रॉपर्टी बाय लिविंग ऑन एंड यूजिंग इट फॉर लॉन्ग पीरियड विदाउट द ओनर्स परमिशन, यानी ओनर उस जमीन का जो है उसकी परमिशन के बिना आप कंटिन्यूसली जो है वो किसी जमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। कहते दीज आर लीगल कंडीशंस दैट मस्ट, देर आर लीगल कंडीशन दैट मस्ट बी फॉलोड। तो कुछ कंडीशंस जो है उनको फॉलो करने के बाद जो है आप उस प्रॉपर्टी को जो है वो ऑन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग है, एक ज़मीन है, ज़मीन का टुकड़ा है, वहाँ पे आपने जो है वो एक शेड बना लिया अपना और 20 साल से वहाँ पे रह रहे हैं और किसी ने आपको रोका नहीं है, किसी ने आपको पूछा नहीं है, आप रह रहे हैं, तो आप उस ज़मीन को ऑन कर सकते हैं बाय कुछ कंडीशंस को जो है वो क्वालिफाई करके। देन है एक्सचेंज, मेरा बहरिया में प्लॉट है अब्दुल्ला साहब का DHA में, तो मैं अब्दुल्ला साहब को कहता हूँ यार बहरिया वाला आप रख लें, DHA ना मुझे दे दें, तो अब्दुल्ला साहब मेरा बैरियर वाला रख लेते हैं, मुझे अपना DHA वाला दे देते हैं। तो ये क्या है, एक्सचेंज के थ्रू भी आप प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं। मिसाल नीचे चेक की दी है, ठीक है, लिली के साथ, वो देख लीजिए। देन फाइंडिंग है कि आपको कोई चीज़ मिली है, ठीक है, कहते एक्वायरिंग प्रॉपर्टी बाय डिस्कवरिंग इट एंड इफ द ओरिजिनल ओनर कैन नॉट बी लोकेटेड इट मे लीगली बिकम योर आफ्टर फॉलोइंग सर्टन प्रोसीजर्स। जंगलात में आपको हिरण मिल जाते हैं, वो डिस्कवरी चैनल पे आप देख रहे हैं, वो खोज करते हैं, ज़मीन खोदते हैं, सोना निकल आता है, तो वो क्या डिस्कवर किया उन्होंने, ओरिजिनल ओनर को ही नहीं पता, तो वो आपकी। देन है ऑक्यूपेशन, कहता टेकिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी दैट हैज़ नो क्लियर ओनर और हैज़ बीन अबंडेंट, जिसका कोई ओनर आपके सामने नहीं है और जिसको काफ़ी अरसा से कोई नहीं देख रहा है, तो ऐसी प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो भी है वो आपका ऑक्यूपेशन कहलाता है। देन क्रिएशन है, प्रेस्क्रिप्शन है, ये डिफरेंट मोड्स आपने देखने हैं, और देन इसका कंक्लूजन है। ये लास्ट में जो 2 से 3 पॉइंट्स छोड़ता हूँ ना मैं, ये मैंने डिफरेंट लेक्चर में बताया है कि मेरे टीचर हैं वो कहते हैं कि वजी आप सब कुछ प्रोवाइड करते हो, क्वेश्चन की लेंथ इतनी होती है कि स्टूडेंट को कहीं और से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स फॉलो करते, और आप सारी सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी कर देते हो, लेकिन क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर छोड़ा करो कि स्टूडेंट खुद से कुछ पुटअप करें, खुद से कोई एफर्ट उसमें पुटअप करें, ताकि उनकी भी कोई दिमाग को ज़्यादा संघना ना लगे। इसलिए 2-3 पॉइंट छोड़े जाते हैं कि आप इसमें खुद सोचें, खुद समझें, ठीक है, फिर भी नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हाफिज़, थैंक यू।